आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर मीडिया के एग्जिट पोल पर भाजपा के सांसद लल्लू सिंह ने भाजपा के कार्यों की प्रशंसा की है और कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी ने राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के आधार पर गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले किसानों की सेवा की है। इसी वजह से आज प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और क्या कुछ कहा है नेता, आप भी देखिए। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत जो सरकार चल रही है देश की, और हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के आधार पर कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसानों की जो सेवा की है, जो लगातार उनकी चिंता की है, उसके कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यूपी में 7 चरणों में मतदान संपन्न हो गए हैं। अब मतगणना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे चुनाव मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि मतगणना स्थल की तरफ आने वाला रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पहुंचने के लिए 3 टिकट लोग जुटाएंगे, सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी और जो प्रत्याशी और उनके एजेंट हैं। तो तीनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 200 मीटर पहले जो राइट साइड में पुलिस लाइन का ग्राउंड है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे अलग अलग होर्डिंग बैनर लगा के उनका बकायदा मार्गदर्शन करके कर दिया गया है। तो वहीं पर सभी लोग अपनी गाड़ी पार्क करके 200 मीटर पैदल चल के गेट नंबर 1 से निर्धारित जगह से एंट्री करेंगे अपने पास के साथ। मतगणना स्थल की एज पर डायरेक्शन 3-tier सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके कर दिए गए हैं। इसमें आइसोलेशन के लिए CMPF लगी हुई है, उसके बाद इंडोर बॉर्डर और आउटडोर बॉर्डर के लिए टैप पुलिस बल लगा दिया गया है, वहाँ पे इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सभी को पास दिया गया है 3 तरीके के पास जो इशू हो रहे हैं, सरकारी कर्मी के लिए, मीडिया कर्मी के लिए और प्रत्याशी और उनके एजेंट्स के लिए। उसकी सैंपल कॉपी रहेगी जो भी ड्यूटी पर पुलिस कर्मी तैनात करेगा और उसी सैंपल को देखते हुए उसको अंदर जाने की अनुमति होगी करेगा। मतगणना स्थल पर चिकित्सा कैंप भी हम लोगों ने बनाया है। इसी तरह से थर्मल स्कैनर, जो मतगणना हॉल का प्रवेश द्वार है उस पर थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजर सहित कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम मतगणना हॉल में जो ETBPS की स्कैनिंग का कार्य 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। डाक मतपत्र के लिए अलग हमने बता दिया, टेबल्स लगाई गई हैं। इसमें रूल ये होता है कि डाक मतपत्र की गणना जो है वो प्रारंभ कर दी जाती है और वो चलती रहती है और 8:30 बजे से EVM की गणना स्टार्ट हो जाती है। अगर पोस्टल बैलेट की गणना पहले समाप्त हो जाती है 5-6 घंटे में या 4 घंटे में, जैसा भी टाइम है समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी EVM की काउंटिंग चलती रहती है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि EVM की काउंटिंग समाप्त होने को है, 2 राउंड बचे हुए हैं और पोस्टल बैलेट अभी जो है नहीं काउंट हुआ है, तो 2 राउंड बचे होने के पहले ही वो दो लास्ट के दोनों राउंड जो है रोक दिए जाते हैं, जब तक पोस्टल बैलेट की गणना हो करके उसका पूरा जो है टेबुलेट। खबर फरीदाबाद से है, जहां सचिवालय के गेट पर एक आंगनबाड़ी वर्कर ने सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुताबिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वो लगातार धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार उनकी किसी बात को नहीं मान रही, जिसके चलते वर्कर ने सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार का पुतला फूंक रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का, इस बात के लिए कि जो हमारे साथ वायदा खिलाफी हो रही है, मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 3 महीने हो गए 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। अच्छा, मांगें वो हैं जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर 2018 को
ऐलान किया था मन की बात में कि जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर पूरे देश में हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी करना चाहता हूं। उन्होंने वर्कर के वेतन में 1500 रुपये बढ़ोतरी करी, हेल्पर के वेतन में 750 रुपये बढ़ोतरी का ऐलान किया, लेकिन 2018 के बाद उस मांग को आज तक सरकार ने लागू नहीं किया। खबर फरीदाबाद से है जहां रेलवे लाइन पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कुछ फोन गए इनके गांव गए या इनके पास, मेरे को सुबह एक लड़का बताने आया, बोला जी ऐसी सी बात हो गई, मनसुख लड़का ट्रेन से हादसा हो गया है, तो उसी में भगे चले आए, फिर स्टेशन गए, स्टेशन के बाद यहाँ आ गया। क्या उनकी कोई रंजिश थी पहले किसी? नहीं नहीं कोई रंजिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं कोई रंजिश नहीं, वो तो कमाने खाने आए थे अपने, कोई रंजिश नहीं। घरवाली बता रही कि सब्जी लेके रख गए, बोले मैं अभी आ रहा हूँ, तो गांव के कई लड़के रह रहे हैं, कई बार पीने खाने में बैठ जाते हैं, उन्होंने सोचा चलो वहाँ। सुभाष कॉलोनी से आगे का मामला है, रात को हमारे पास तो मीमो आई थी रात को 1:30 बजे, तो हम जब उस पर कार्रवाई गए थे, उसके परिजन उसमें उसके जेब में पर्ची मिली थी, उसमें मोबाइल नंबर था, उस पर फ़ोन करा मैंने, फ़ोन करके जब उसके घर के बुलाए थे, मनसुख नाम है, मनसुख पाल नाम है इसका, और ये यूपी का रहने वाला है, जलालाबाद वाकर। सर यहाँ से वो घर से गए थे कुछ सौदा लेने, मतलब सारी से हमारी बोल के गए, कुछ सामान लेके आ रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगा मैं। उसके बाद में वो खाना बनाने लगी है, खाना बना के फिर उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया, तो ये सोचा थोड़ी देर में आ जाएगी, आ जाएंगे वो, फिर वो उन्होंने फिर बता के गए थे कि मैं दूसरे के कमरे पे जा रहा हूँ, मतलब मुझे टाइम लग जाएगा। फिर उसने खाना आना खा के अपने तो लेट गई है, जब उन्होंने बोला है कि मैं नहीं आऊँगा आज, किसी के कमरे पर जा रहा हूँ। मेरे पास सुबह लड़का आया सुबह, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैं लेटन करके आया, मैं हाथ धो के तुरंत यहाँ भग के आया हूँ। होली के मद्देनजर और 10 मार्च के दिन जीत की खुशी को लेकर सप्लाई होने जा रही अवैध शराब को तस्करी से पहले ही पुलिस बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के बाद 5 शाते शराब तस्करों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसका इस्तेमाल 10 मार्च को चुनाव जीत के परिणाम और होली के त्योहार को लेकर किया जाना था। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। देखिए थाना रनौता में पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों के एक गैंग की गिरफ्तारी की गई है जो अवैध शराब ईएनए से मैन्युफैक्चर करता था। इस गैंग के 5 सदस्यों को हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं फतेहपुर जनपद के विकास खंड देवमई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में नारी चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान पुष्पा सिंह और विशिष्ट अतिथि बालिका शिक्षा SRO प्रदीप पटेल ने सर्वप्रथम सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी मातृ शक्तियों के समक्ष प्रधानाध्यापिका द्वारा महिला दिवस की शुरुआत की गई। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी गई। खबर औरैया से है जहां काउंटिंग स्थल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा मतगणना स्थल पर खुद ही निगरानी में लगे नजर आ रहे जितेंद्र दोहरे ने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है, पता नहीं ये कुछ भी करा सकते हैं, हम लोग खुद ही ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज मैं डेली आता हूँ यहाँ देखने, क्योंकि हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं रात दिन ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, और मैं भी दिन में रात में जब टाइम मिलता है तो अपना आके देखता हूँ, तो यहाँ व्यवस्था ठीक है। कल पता चला था कि रात को या एक दो बार लाइट कट गई थी, तो उसकी तुरंत कल DM साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी अब दोबारा से ऐसी कोई कमी नहीं होगी लाइट की, लाइट वालों से बात हुई है, तो जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलने और चेंज ओवर होने में टाइम लगता है, ये बताया गया था। खबर मैनपुरी से है जहां 11 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि परिजनों ने स्कूल के एक शिक्षक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर नाम दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि मेरा जो
छोटे भाई का लड़का है, उसे शिक्षक द्वारा पीटा गया है, मारते मारते लाया गया है, और बच्चे की माता की अनुपस्थिति की चलते मौके का फायदा उठाते हुए बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। इसकी मैंने पीएम जांच करवाई है, लीगल एक्शन की डिमांड की है, तो इसलिए बॉडी को दोबारा दिलाया गया है और इसकी मेडिकल होगी और जो भी चीज़ें आएंगी सामने उम्मीद करता हूँ कि सही दोषी काम लगा। ये 12 वर्ष के नैतिक का सब है जो कि संदीप भास्कर का पुत्र है, और उनके अभिभावकों को कुछ शंका है उनके मृत्यु का कारण जानने के लिए, तो मृत्यु का असली कारण जानने के लिए वो लोग इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं सबका, जिसके लिए उनका सब फिर से निकाला गया है। किसके आदेश पे और किसकी मौजूदगी में ये सब निकाला गया? ये उप जिला स्तरीय महोदय का आदेश है और अभी यहाँ मौके पर नाम तहसीलदार होगा। खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक युवक की जान चली गई और गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने एटा निधौली कला मार्ग पर जाम लगा दिया और मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन पर पथराव कर डाला। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस देखकर गुस्साए ग्रामीणों ने लाठियां लेकर के पुलिस कर्मियों को दौड़ा दिया। वहीं उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में एसडीएम सदर शिव कुमार सिंह घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अंजना नरसिंह होम बताया गया, जो वहाँ से जो है इलाज चल रहा था, लेकिन गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। और इस पे संज्ञान लेते हुए एसडीएम साहब द्वारा जो है तुरंत जो है एसडीएम और सीओ साहब मौके पर पहुँचे और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें जो चिकित्सक है उनका प्रमाण पत्र नहीं है, तो तुरंत सीएमओ साहब की टीम बुला करके तुरंत उसको सील कराया गया हॉस्पिटल को। साथ ही साथ भीड़ ज़्यादा थी, कानून व्यवस्था की समस्या थी, तो उसमें कुछ पथराव भी हुआ जिसमें एसडीएम साहब को थोड़ी चोट भी आई, लेकिन बाद में परिवार को एडिशनल एसपी साहब आ गए थे, मैं भी आ गया था, तो हम लोगों ने समझा बुझा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एसएसपी की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस ने 15 घंटे का अभियान चलाया। पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों में सम्मिलित 47 वॉलंटियर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिलाओं के सम्मान में एसएसपी द्वारा फिरोजाबाद में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 घंटे का अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर चलाया गया समस्त थानों के द्वारा, जिसमें कुल 47 अपराधी और वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है, और इसमें ज्यादातर वो हैं जो महिला संबंधी अपराधों के वांछित हैं या महिला संबंधी इनके द्वारा अपराध कृत किए गए थे और फिर इनके वारंट निकले हुए थे। 47 लोग इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं कि लोगों के बीच में एक संदेश भी जाए कि इस तरह के अपराध, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि इनसे पूछा गया भाई बुरे काम का क्या होता है, तो इन्होंने कहा बुरा नतीजा। इनको ये भी हिदायत दिया गया कि बुरा काम करने के पहले 10 बार सोचिए कि कानून इजाज़त देता नहीं है, वह काम करना हमेशा गलत रहता है। तो इस प्रकार 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस अभियान को आगे और तेजी से बढ़ाया जाएगा, और इससे भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी अपराध करेगा उसको। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान रायबरेली की काली साड़ी वाली प्रीति शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया है। चुनावी ड्यूटी के दौरान मीडिया में छाई रही प्रीति शुक्ला यहाँ महिला दिवस पर सम्मान किए जाने के लिए आमंत्रित की गई थी। आयोजित समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिला को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन सभी महिलाओं को मैंने इनवाइट किया है जो बहुत ही अच्छा कार्य हर क्षेत्र में कर रही हैं, लेकिन उन्हें एक पहचान नहीं मिल पा रही है, उनका नाम कोई नहीं जानता है, तो उनकी पहचान को आगे लाने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सम्मान समारोह। किस किस तरह के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं आई हैं? खेल के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, बिजनेस वुमेन्स हैं, और इसी तरह से जितने भी क्षेत्र होते हैं उन कैटेगरीज पे हमारी महिलाएं आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कुल कितनी महिलाओं को बुलाया? टोटल 51 वुमेन्स को हमने इनवाइट किया है अलग अलग क्षेत्र से। एक्चुअली जनरली लोग अपनी ड्यूटी कटवा लेते हैं, पर मैं लगवाने के लिए ड्यूटी परेशान थी, मुझे लग रहा था कि अगर ड्यूटी लगी है तो ड्यूटी पोलिंग बूथ पर लगनी चाहिए, तो मैं चाहे कुछ काम कर सकूं वहाँ जा कर के, फालतू बैठे रहने से कोई मतलब नहीं था, तो इस वजह शायद हो सकता है उन्होंने वीडियो भी देखा हो,
और हमारे सोशल वर्क के लिए भी उन्होंने पूछा था हमसे कि क्या क्या करती हैं, वो मैंने बताया उनको, तो इस वजह से हमको बुलाया गया यहाँ पे। सर वो एक्चुअली मैं काली साड़ी पहन के आई थी, उसके बाद मीडिया वालों ने हमसे इंटरव्यू ले लिया और फिर उसी उसको जो है कवरेज दे दिया और वो फेमस हो गया, लोगों ने प्यार दिया, इसकी वजह से सर वो काली साड़ी फेमस हो गई। श्रावस्ती जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिलौला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिलौला बहराइच मार्ग दमावा बैरियर बस स्टैंड के पास से चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो मोटरसाइकिल, दो देसी तमंचा सहित चोरी किए गए लाखों रुपए के सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चोरों को जेल भेज दिया है। गिलौला पुलिस द्वारा चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है जो जनपद बहराइच के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जनपद के थानों और बहराइच के एक थाने में करीब छः घटनाओं का करना स्वीकार किया है और इनके कब्जे से दो तमंचे, दो मोटरसाइकिलें और काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान जिसमें सोने और चांदी के आभूषण भी हैं बरामद किया गया है। इनके द्वारा जो बंद पड़े मकान, जिनके घर के ओनर काम करने कहीं शॉप पे या कहीं चले जाते हैं और घर को बंद कर लेते हैं, लॉक रहता है, उसकी रैकी करके उसके बाद उसमें किसी तरह प्रवेश करके उसमें चोरी करते हैं। मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मुकेश यादव निवासी शिवपुर ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी थी, वहीं रेस्क्यू के बाद अजगर को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। खबर औरैया से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वंदना शर्मा महिला कल्याण अधिकारी औरैया और विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला थाना औरैया से रिंकी चौहान, पुष्पा तोमर और स्वाति यादव मौजूद रहीं। गोष्ठी को संबोधित करते हुए महिला शाखा तुलसी की अध्यक्ष लक्ष्मी विश्नोई ने बताया कि महिला शाखा तुलसी महिला की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण के साथ साथ उनको जागरूक कर उनका मनोबल बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वरूप निरंतर कार्य कर रही है। ने हम बहनों के लिए तो बहुत ही काम किए हैं, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सरकार सबसे पहले काम करती है। मेरे सरकार के जो मुख्य लोग हैं वो सबसे पहले बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके स्वावलंबन की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उन्हें हर काम में पहले से पहले अग्रसर कर रहे हैं। उन्हें हमेशा योगी जी ने, मोदी जी ने या कोई सरकार अपनी जो आ रही है उसमें हमेशा उसको महत्व दिया गया है। इसलिए हम सब बहनें आगे बढ़ के नारी शक्ति के लिए योगी जी से और भी वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के साथ हैं और उन्होंने महिलाओं का सहयोग किया है। हम सबसे यही कहते हैं, अगर कभी किसी के लिए अगर ये समस्या आ जाए, अगर किडनी की या मतलब ये कुछ भी खड़ा हो जाए, तो आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल आप सतर्क होकर अपनी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मुझे 5 साल हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से खा रहे पी रहे। मेरा भाई भी बहुत सलामत है, क्योंकि 5 साल हो गए, वो भी अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ। इसलिए मेरा भी सबसे कहना यही है कि कभी कोई अगर ऐसा आ जाए तो कभी भी आप डरो ना, हमारा भी चला उसका भी चल रहा। इसलिए मेरा तो यही सबको कहना, सबको संदेश यही है कि सभी बहनों के लिए कि आपको कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप कभी घबराएं नहीं और हरदम उनके साथ खड़े रहें। आज लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश संस्था की तरफ से एक पैदल मार्च निकाला गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को यूपी सरकार से आर्थिक मदद देने का था। हम लोग ने ये एक्टिव हुए हैं इसके लिए क्योंकि रशिया के बहुत सारे चैनल्स भी बंद कर दिए हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त कोई चैनल नहीं आ रहा जिस पर न्यूज़ दिखाई जाए वहाँ की कि बच्चे कैसे हैं, क्या हाल है, ना बच्चों को इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को मिल रही है, ना बच्चे वहाँ से आ पा रहे हैं। अभी 2 बच्चे पहुँचे हैं हरियाणा, तो वो 35 किलोमीटर पैदल चल कर पहुँचे हैं। तो इस तरह से बहुत तकलीफ की बात है सबके लिए, हम लोगों के लिए और सब पेरेंट्स के लिए। हम भी पेरेंट्स हैं तो हम चाहते हैं कि आगे जाकर हमारे बच्चों के साथ ये सुविधाएँ दूसरों बच्चों के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे महिला दिवस आयोजन को लेकर महिलाओं ने संभल में भी महिला दिवस का भव्य आयोजन किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने देशभक्ति से संबंधित गीत भी प्रस्तुत किए। महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया 8 मार्च को मनाया जाता है। हम इस पे महिलाओं को जागरूक करते हैं, जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, कुरीतियों से दबी हुई कुचली हुई महिला, उनको मतलब उनके लिए बताते हैं कि आप अपने अधिकार मांगो, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। महिलाओं के लिए सारे लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, और जब महिलाएं घर से बाहर जाती तब भी देखते हैं। महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर चलाना, बच्चे पालना है। जो महिलाएं भर्ती करती हैं, ड्यूटी नौकरी करती हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, घर से भी बाहर से भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सारी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकार को मतलब समझना चाहिए। महिला दिवस का कार्यक्रम महिलाओं के लिए जागरूक करने का है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम हर वर्ष इसी भांति मनाते हैं, और जैसे कि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानने के प्रति जागरूक नहीं होती हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके हक को दिलाने का प्रयास करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि यदि आपको अपना अधिकार ऐसे सीधे सीधे नहीं लिया जा रहा है, तो आप अपने अधिकार को छीन कर लीजिए। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो तूफान को बदल देती है, जब गरजती हैं महिलाएं तो इतिहास बदल देती हैं, जब गरजती हैं महिलाएं तो इतिहास बदल देती है। खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां जीटी रोड पर हाईवे के किनारे एक चाय की दुकान में सिलेंडर फट गया, जिससे दुकान में आग लग गई और दुकान जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि दुकान के पास से गुजर रहा एक बाइक सवार भी आग की चपेट में आने से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। घटना ये हुई है, उधर से हम सड़क पे से आ रहे थे, हमने आदमी बचाया तो उधर से सिलेंडर फटा है, उसके जो है आदमी बचाते में फिर हमारी बाइक वहीं गिर पड़ी, सिलेंडर फटा था। चोट भी आई है? चोट आई है, बांह टूट गई साहब। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।